नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। हाइपरटेंशन अंग्रेजी में या हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं, हमारे भाषा में हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर डे। तो वर्ल्ड भर में जितने भी हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको हम लोग याद दिलाने के लिए कि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत खराब बीमारी है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, ऊपर से पता नहीं चलता है, इसलिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का शुरुआत किया गया है। तो चलिए आज आपको बताऊंगा हाई ब्लड प्रेशर के असली कारण क्या होते हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके तकलीफ क्या होती है। मैं आपको बता दूं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को 50% लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होती है। ये तो हो गया बाय चांस, आजकल चेक करवा लिया, पता चल गया हाई ब्लड प्रेशर है, तब पता चला। हाँ अच्छा, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं हाई ब्लड प्रेशर कितने को माना जा सकता है। मैं आपको बता दूं 120-80 तो बेस्ट है, ये तो हमने आपको बताया, आपको मालूम भी होगा। 130 तक हम लोग हाई ब्लड प्रेशर नहीं लेते, उसको हाई नॉर्मल बोलते हैं, पर 130 के ऊपर जाने लग गए तो आप उसको हाई ब्लड प्रेशर मान लीजिए। उसमें भी स्टेजेस होते हैं, जब और ज्यादा होगा तो 1, 2, 3, 4 वो उस तरह से होती है। पर 140 अगर आपका ब्लड प्रेशर है एट एनी एज तो आप ये मान के चलिए कि आपको हाई ब्लड प्रेशर आ गया। माना जाता था उम्र के संग थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब वो अब खत्म हो गई है। हर उम्र में 120-80 ही नॉर्मल ब्लड प्रेशर होनी चाहिए, 130 तक हम उसको हाई नॉर्मल बोलते हैं, बट उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर है। चलिए सिम्टम्स क्या क्या होती है, सिम्टम्स होती ही नहीं है मोस्ट ऑफ द पीपल में। कुछ लोगों को लगता है कुछ भारीपन आ रहा है, सर में कुछ भारीपन आता है, थोड़े बहुत पसीना आ सकता है कुछ लोगों को, पर वो लगता है कि अनइजीनेस लगता है, बस ये एक सिम्टम्स होता है ज्यादातर लोगों को। ये माना जाता है हमारे जितने हाई ब्लड प्रेशर मरीज हैं उनमें से आधे को मालूम ही नहीं उनको हाई ब्लड प्रेशर है, और आधे जिनको मालूम है वो लोग ट्रीटमेंट कराते नहीं है, और आधे जो करवाते हैं वो भी आधा करवाते हैं। तो ये एक 50% का रूल हम लोग छोटे से पढ़ते आए मेडिकल कॉलेज में कि हाई ब्लड प्रेशर का रूल है 50% को मालूम ही नहीं, 50 को मालूम है वो ट्रीटमेंट नहीं कराते आधे उनमें से, और आधे जो करवाते हैं वो भी पूरा ट्रीटमेंट नहीं कराते। मतलब हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना एब्सोल्यूट जरूरत है, और ये होता है बाय चांस आपको ब्लड प्रेशर करता हुआ कोई मिल जाए। आजकल तो देखिए सबके घर पे इक्विपमेंट आ गई है ब्लड प्रेशर चेक करने का, आप लगाइए जैकेट में और बटन दबाइए और संग संग आपका बीपी बता देगा, पल्स बता देगा। तो ब्लड प्रेशर मेजर करना इतनी ईजी हो गई है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को आजकल हम लोग इन एडवांस पता कर लेते हैं कि भाई इनको हाई ब्लड प्रेशर है, सिम्टम्स होते ही नहीं है मोस्ट ऑफ द पीपल को। जब पता चलता है कुछ लोगों को तब तक वो ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाती है, ये सब होती है। तो हाई ब्लड प्रेशर का आपको सिर्फ चेकअप से पता चलेगा। अब ये आदमी बोलता है सब चेकअप कब करें, चेकअप तब करिए जब आप रेस्ट पे हो, कहीं से दौड़ते दौड़ते आए बीपी चेक कराएंगे तो ज्यादा मिलेगा। 5 मिनट रेस्ट होना चाहिए और मोस्ट आइडियली खाली पेट होना चाहिए। खाना खा के भी थोड़ा सा बीपी बढ़ जाता है, स्पेशली अगर खाने में मसाले और ज्यादा घी तेल है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसलिए आपको कोशिश ये करना है हाई ब्लड प्रेशर को जब भी चेक कराना आप रेस्टिंग फेज में होना चाहिए एटलीस्ट 5 मिनट तक, तब ये प्रेशर को चेक कराइए। दोनों हाथ में, कोई भी हाथ में कराया जा सकता है, बहुत कम डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, इसलिए कोई परवाह नहीं करने की जरूरत है। तो ब्लड प्रेशर आप जरूर चेक कराइए, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तभी चेक कराइए। और ब्लड प्रेशर आज कितनी हो गई है मैं आपको बता दूं, अभी लेटेस्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी आई है, उन्होंने लाखों मरीजों को चेक किया, ये पताया जाता है कि इंडिया के एडल्ट के 1/4 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। तो आप ये समझ लीजिए अगर इंडिया में एडल्ट कितने होंगे, आप सोच लीजिए अगर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें से बच्चों को निकाल देते, मान लेते हैं बच्चे 30% है, तो भी आज कम से कम मैं समझता हूँ 20-30-40 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये नंबर आज हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोग कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर माना जाता है, ऊपर से कोई तकलीफ नहीं होगी पर ये अंदर बॉडी को खोखला करता रहता है, और ये बीमारी को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आज मैंने पहला आपको ये बताया हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए आपको मोस्टली पता चलेगा जब आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे। तो कभी भी मौका मिले आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराइए, और अगर कोई का सर में भारीपन हो रहा है तो जरूर ब्लड प्रेशर चेक कराइए। तो ये बात आपको आज बताना चाहता था। इस बार मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, आप एक एक करके सुनिएगा, और 17 तारीख को है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, उसके मौके पे हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं आज। थैंक यू सो मच, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, आप हमारे हार्ट की वीडियोज जरूर देखिए और रिकमेंड करिए लोगों को।